अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं? क्या हाल है आपके? जबरदस्त, बिल्कुल। हाँ भाई, भाभी इसने सिगरेट पीना कम की कि नहीं? भाई आप ही इससे कुछ समझाइए, मेरी तो ये नहीं सुनता। तुम्हें क्या लगता है, इनकी सुन लूंगा मैं? सुहेल भाई, आपको डॉक्टर ने भी सख्ती से मना किया है सिगरेट पीने से, आप छोड़ क्यों नहीं देते? भाभी जब तक मैं सिगरेट ना पीऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का एक कोई बहुत जरूरी काम है जो अधूरा रह गया है, बस उस कमी को पूरा करने के लिए मैं सिगरेट पी लेता हूँ, और कोई बात नहीं। सुन रहे हैं आप लोग इसकी बातें? मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। सीरियसली फेड अप ऑफ। मुझे तो डर है किसी दिन उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। हैला भाभी, तो क्या करूं, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए, इन 10 सालों में इसने मेरे साथ तो वक्त कम ही गुजारा है, बस इन सिगरेट की डबियों के साथ ज्यादा गुजारा है। अमेरिका में भी ये ड्रिंकिंग में इंडल्ज हो गया था। अरे क्या हो गया, बस भी करो सुहेल भाई। अरे तुम क्यों मेरी मासूम सी बहन को इतना डरा रही हो यार, क्या हो गया? भाभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखें इसका असल में मिजाज ऐसा है, हर बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताती है। मेरा यकीन करें, आप इससे पूछ सकती हो, वैसे मैं कितना तमीज़दार, सीधा, शरीफ और बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है? जी आप कितने शरीफ और सीधे मुसलमान हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो मैं इसे अमरीका से ले आई थी, वरना ये तो बिगड़ रहा था वहाँ पर। अच्छा, शादी नहीं, गोद लिया इन्होंने मुझे, भाई पाल ली थी मुझे, बिगड़ रहा था, नन्ना बच्चा था। नबील किधर है भाई? नबील स्कूल में, बल्कि अब तक आ जाना चाहिए था उसे। कहाँ है सब?